त्रिपुरा में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं और यहां अभी सीपीआईएम की सरकार है। सीपीआईएम के पास कुल 50 सीटें हैं, जबकि भाजपा के खाते में 7 व कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। मुख्यमंत्री मानिक की सरकार है, यहां बीजेपी और लेफ्ट के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मेघालय विधानसभा। मेघालय में कांग्रेस के सामने किला बचाने की चुनौती है। मेघालय विधानसभा में भी कुल 60 सीटें हैं और यहां कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के पास कुल 24 सीटें हैं, यूडीपी के पास 7, बीजेपी के पास 2 सीटें हैं। कांग्रेस की अगुवाई में यहां मुकुल सांगमा की सरकार है। नागालैंड विधानसभा। नागालैंड में नागालैंड पीपुल्स फ्रंट की सरकार है। यहां की कुल 60 सीटों में 45 सीटें नागालैंड पीपुल्स फ्रंट के पास हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 4 सीटें हैं। इस बार बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी एनपीएफ से गठबंधन तोड़ा और बागी गुट से गठबंधन कर लिया। यहां इन्हीं दो गुटों के बीच कड़ी टक्कर है। पीएम मोदी और अमित शाह ने जीत अपनी पार्टी के पक्ष में करने के लिए यहां रैलियां की, वहीं राहुल गांधी ने भी नॉर्थ ईस्ट जाकर विरोधियों पर खूब वार किए। अब देखना यह है कि वोटरों का फैसला किसके पक्ष में आता है।